छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लास करने वाले हैं, जो आपके लिए डेमो क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, कौन सा क्लास है? डेमो क्लास है। तो 30 जून से नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है हॉस्टल वार्डन और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, हॉस्टल वार्डन में आपको 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसी प्रकार फॉरेस्ट गार्ड में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो ये डेमो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल 35 प्रश्न देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे व्यापम पीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको व्यापम इजिली ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, अगर पहली बार आए हैं, तो जाइए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रश्न। छत्तीसगढ़ की जनजाति वगैरह क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदियाँ, उद्गम स्थल वगैरह से छत्तीसगढ़ के अध्ययन से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हर एक एग्जाम में आपका 20 से 25 नंबर का छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र निम्न प्रमुख नदियां व्यवस्थित पर आधारित है। देखिए, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र है वो कौन सी प्रमुख नदी है जिस पर आधारित है। तो हम आप सभी को पूरा डिटेल के साथ विशेष तौर पर बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ जो अफवाह तंत्र है आपका 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? 5 नदी अफवाह तंत्र में भागा गया है। पहला आपका महानदी अफवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, तीसरा गंगा नदी अफवाह तंत्र, चौथा है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, पांचवा है आपका, जो आपका पांचवा नदी अफवाह तंत्र है, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, तो देखिए जो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र है वो आपका चौथा नंबर पर है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रिविजन के तौर पर महानदी अफवाह तंत्र पहला है, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र दूसरा है, गंगा नदी अफवाह तंत्र तीसरा है। गंगा नदी को हम सोन नदी के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी को सोन नदी के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। जो नर्मदा नदी है आपको पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ये आपका पाँचवा नदी है, जबकि चौथा नदी आपका हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ठीक है, जो ब्राह्मणी नदी है वो चौथा नंबर पर स्थित है। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में विसर्जित नहीं होती? तो देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है, अगर आप लोगों को मालूम है तो मेरे साथ कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, या ऑप्शन डी नर्मदा नदी, या ऑप्शन ई सभी। तो देखिए इनमें से आंसर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए फटाफट जितने भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं या जो पहली बार आए हैं, सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। टोटल हम 35 यानी कि 35 MCQ करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की नदियां व उद्गम स्थल से। ठीक है, कंप्यूटर की भी क्लास लाएंगे कुछ दिनों के बाद, है ना। तो 30 जून से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ किया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइनिंग दिख रहा होगा मेम्बरशिप के तौर पर, जो आपका कोर्स रहेगा 199 रुपये, उसी प्रकार आपका रहने वाला है 59 रुपये, जो कि सिल्वर है, यह आपको गोल्डन है, और डायमंड की बात करें तो 399 रुपये। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप में तो जाइए, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, या फिर वहां पर जो सुपर थैंक्स का दिख रहा होगा ऑप्शन, उसको क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। और भी आप वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे हो गए व्यापम वगैरह में, तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे बहुत सारा वीडियो दिया गया है, जब प्ले लिस्ट के माध्यम से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो निम्न में से महानदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। तो चलिए आप सभी बताएं इनमें से कौन सा नदी है जो महानदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा कि महानदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए ईब नदी, जोक नदी, अर्पा नदी, कोडार नदी, या सभी, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। महानदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके महानदी सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा है, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले महानदी की सहायक नदी, उत्तर की ओर प्रवाहित नदी कौन कौन सी है, दक्षिण की ओर प्रवाहित नदी कौन कौन सी है। ये आपको मान लीजिएगा उत्तर की ओर, एक मिनट ना, ये मान लीजिएगा ऊपर की ओर, ये हो गया दक्षिण की ओर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपका हसदेव नदी, उसी प्रकार बोराई नदी, उसी प्रकार मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं ना उत्तर की ओर प्रवाहित नदियाँ। उसी प्रकार नीचे की ओर आपको प्रवाहित नदी सिल्हारी नदी, उसके बाद है दूध नदी। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ हैं, सिल्हारी हो गया है, दूध हो गया है, उसके बाद सूखा नदी हो गया है, सोंढूर नदी हो गया है,
उसी प्रकार आपका लात नदी हो जाएगा, उसी प्रकार इतना सारे बहुत सारे नदियां हैं तो ठीक है। तो इसी प्रकार इसका आंसर आपका हो जाएगा अरपा नदी, जो कि यहाँ पर नहीं है। ईब नदी, जोग नदी, कोड़ार नदी, ये सभी आपका महानदी की क्या है, महानदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, सहायक नदी हैं और ये अरपा नदी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि निम्न में से कौन सी नदी प्रवाह उत्तर दक्षिण से नहीं होती। तो उत्तर दक्षिण से नहीं होती पूछा गया, उत्तर से दक्षिण नहीं होती। मैं अभी क्या बताया हूँ, यहाँ से शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मार नदी, केलो नदी और ईब नदी, ये आपकी क्या है, उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी महानदी की सहायक नदियाँ हैं, उत्तर की ओर। अब उत्तर से दक्षिण नहीं है पूछा गया है, तो चलिए अब मिला लेते हैं। शिवनाथ नदी मिल रहा है, हसदेव नदी यहाँ पर दिया नहीं है, बोराई नदी ये भी मिल रहा है, मांडर नदी मिल रहा है, लेकिन अरपा नहीं मिल रहा है। तो इसका दक्षिण की ओर क्या आ जाएगा, इसका हसदेव भी है तो इसका शिवनाथ नदी आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आपका, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विभाग के राज्य का कार्यकाल का नाम बताइए। तो चलिए आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ फटाफट कमेंट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विभाग के राज्य का कार्यकाल का नाम बताइए। तो इसका क्या आएगा, महानदी, सिहावा, बोराई, हसदेव या मिनी माता। इसका आंसर बी होगा आपका, सिहावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपका कि निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले के बीच सीमा बनाती है। देखिए मैं आप सभी को पहले ही बताया हूँ कि आज हम नदियाँ व उद्गम स्थल व जल विभाजक पर्वत जलप्रपात से क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए निम्न में से ऐसा कौन सा नदी है जो बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले के बीच सीमा बनाती है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर डी, लीलागढ़, ठीक है। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, चलिए फटाफट बताइएगा। बस्तर की जीवन रेखा, सबरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, नारंगी नदी या गोदावरी नदी। चलिए फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए 90%, ठीक है। चलिए वीडियो मेरा कैसा लगता है, परफॉर्मेंस आपको कैसा लग रहा है मेरा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसी और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बस्तर की जीवन रेखा किससे कहा जाता है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कितने लोगों का आंसर आ रहा है हम देखेंगे फिर पोलिंग बूथ के हिसाब से, आंसर ए, बी, सी या डी क्या आएगा। चलिए बस्तर की जो जीवन रेखा है आपका आ जाएगा, कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी। महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित है, तो महानदी संगम पर कौन सा स्थित है जल्दी से कमेंट करके बताएं, राजिम, शिवरीनारायण, आरंग, चंद्रपुर या कोई नहीं इनमें से। तो महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरंग नदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, ये सभी को मालूम होगा, सभी का आंसर आना चाहिए आरंग, शिवरीनारायण, रतनपुर, चंद्रपुर या राजिम। तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग आपका राजिम को कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, राजिम को कहा जाता है, राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, प्रसिद्ध है। चलिए फिर से आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो महानदी जिले से होकर नहीं गुजरती, तो महानदी कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती पूछा गया है, तो बताइएगा कांकेर, रायपुर, महासमुंद और कोरबा। तो देखिए इसका आंसर सभी होगा, क्योंकि महानदी जिले से होकर नहीं गुजरते पूछा गया है ना, सभी होगा, सभी से होकर नहीं गुजरती महानदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा बांध कौन सा है, आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा बांध हसदेव बांध, हसदेव बांध कहाँ है, कोरबा में, हसदेव बांध, हसदेव बराज बांध है, सब मालूम होगा ना, कोरबा में है ना। गंगरेल बांध, ये इसको बोलते हैं रविशंकर जलाशय बांध, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा बांध, जो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। अब पूछा गया यहाँ पर देखिए दो तरीके से पूछा गया ना ऑप्शन, तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध पूछा गया, तो गंगरेल बांध भी है, हसदेव बांध भी है, लेकिन ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो उड़ीसा राज्य से है, लेकिन ये आपको कोरबा जिला यानी कि छत्तीसगढ़ में आपका आ जाएगा पूरा सबसे बड़ा बांध, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अफवाह तंत्र में शामिल है। तो देखिए अब छत्तीसगढ़ का कौन सा और कितना प्रतिशत भाग है जो महानदी अफवाह तंत्र में शामिल है पूछा गया है, तो 56%, 80%, 65%, 70% या 60%। तो इसका आप सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग है जो महानदी अफवाह तंत्र में शामिल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 56.11%, ठीक है।
महानदी की सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो महानदी की सहायक नदी कौन सी है? खारून, मनियादी, अरपा या केलो, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ बार बार मैसेज ना करें व्हाट्सएप ग्रुप वाले, मैं आपको पहले ही क्लास कराया था जिसमें आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा और मेंबरशिप में आपको परमानेंट मिलेगा, ठीक है? फिर आप सभी का आंसर क्या रहा है फटाफट कमेंट करके बताइएगा। महानदी की सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है पूछा है, तो महानदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मनियारी नदी। कौन सी हो जाएगी आपकी? मनियारी नदी हो जाएगा आपका, क्योंकि खारून नदी, अरपा नदी, केलो नदी ये आपका महानदी की सहायक नदी नहीं है। अगर एग्ज़ाम में पूछता आपका कि महानदी की सहायक नदी नहीं है तो नहीं है, मैं आपका खारून नदी आ जाता है। खारून नदी कौन से जिले से होकर गुजरती है? रायपुर। खारून नदी आपका रायपुर जिले से होकर गुजरती है, ठीक है? लीला नदी किसकी सहायक है? लीला नदी किसकी सहायक है? शिवनाथ, ठीक है, शिवनाथ की सहायक नदी है। तो सिहावा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्थल है? सिहावा पहाड़ी, आप बताइए, जो सिहावा पहाड़ी है इंद्रावती, पैरी, शिवनाथ, महानदी। सिहावा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम है? तो सिहावा पहाड़ी से आपका हो जाएगा महानदी, ठीक है, जो आपका महानदी है। महानदी, अब यहाँ से आप सभी के लिए क्वेश्चन है, महानदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर में बहती है? कितने किलोमीटर में प्रवाहित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है? चलिए बताइएगा। चलिए तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो महानदी है आपका, ठीक है, जो महानदी है छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर, जबकि पूरा 856 किलोमीटर आपका पूरे भारत में जो नदी है आपका महानदी बहती है, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। जबकि अब पूछा गया शिवनाथ नदी के बारे में, जो आपका शिवनाथ नदी है वो आपका 290 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने कल कमेंट करके पूछा था कि यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की क्लास के बारे में, तो आप सभी को मैं फिर से कहना चाहूँगा जो हॉस्टल वार्डन की क्लास है आपका 30 जून से प्रारंभ किया जा रहा है। कौन सा? 30 जून से प्रारंभ किया जा रहा है। रात आपका 7:30 से लेकर 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड मिलेगा। अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन बटन होगा, वहाँ पर आप जाके क्लिक कर लीजिएगा, आपको पूरा चैट मिलेगा, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मेंबरशिप के माध्यम से, ठीक है? अगर आपको कुछ समझ में ना आया होगा तो डिस्क्रिप्शन इसके व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, वहाँ पर जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। कितनी है? 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो 286 किलोमीटर, ठीक है, इंद्रावती नदी और वहाँ पूछा गया था, ठीक है। शिवनाथ नदी के पूछा जाए तो 290 किलोमीटर, ठीक है। चलिए भौगोलिक देखते हैं, महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? तो महानदी का फिर से आप सभी को बताएंगे, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, और नर्मदा नदी जो है आपको पश्चिम की ओर बहती है। महानदी पश्चिम की ओर बहती है। मांड नदी ये महानदी की सहायक नदी है, ये आपका नीचे की ओर बहती है, दक्षिण की ओर सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? महानदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। फिर महानदी की सहायक नदी है, कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका आ जाएगा, आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताएं, ए बी सी डी या ई, क्या आएगा फटाफट। देखिए इसका आंसर बहुत लोगों ने हसदेव दिया है, बिल्कुल सही है, आंसर ए होगा, हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम किस विकासखंड से हुआ है? हसदेव नदी का जो उद्गम है किस विकासखंड से हुआ है? सोनाहट, खड़वागढ़, भरतपुर, बैकुंठपुर या मनेन्द्रगढ़, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फिर इसका आंसर है वो हसदेव नदी का, देख सकते हैं सोनाहट, ठीक है। अब देखिए जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? तो जोंक नदी आपका हो जाएगा महानदी की सहायक नदी है। अब हसदेव नदी की लंबाई कितना है? हसदेव नदी का, तो हसदेव नदी की जो लंबाई है 176 मीटर। कितना? 176 मीटर आपका हसदेव नदी की लंबाई है, ठीक है। हसदेव नदी का प्रवाह किस जिले में नहीं है पूछा गया है? तो आपका आ जाएगा आंसर, कौन कौन सा नहीं है? कोरबा, कोरिया, बिलासपुर या जांजगीर। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका आ जाएगा बिलासपुर।
महानदी की दूसरी और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चलिए बताइएगा, महानदी की दूसरी और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आपका शिवनाथ नदी होगा, ठीक है। चलिए फटाफट मैं आपको आंसर कराने वाला हूँ, हंसदेव हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बांध की किसके उद्गम स्थल पर स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैनपाट। महानदी कितने जिलों से होकर बहती है? महानदी जो है आपको कितने जिलों से होकर बहती है? 9, 8, 7, 6 या 5, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं महानदी कितने जिलों से होकर बहती है। तो ये आपका आ जाएगा बिल्कुल सही है, 8 जिलों से होकर बहती है। दूध नदी के किनारे कौन सा जिला मुख्यालय है? तो आपका आ जाएगा बिल्कुल सही कांकेर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि दूध नदी का विसर्जन किस नदी से होता है? तो दूध नदी इंद्रावती, सबरी, कोटरी, महानदी या शिवनाथ नदी? फटाक से कमेंट करके बताइएगा कि दूध नदी का विसर्जन किस नदी पर होता है। इसका आंसर होगा आपका महानदी, ठीक है। चलिए इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी आपका आ जाएगा महानदी। उसी प्रकार शिवनाथ नदी का विसर्जन छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल पर होता है? आपका आ जाएगा शिवनाथ नदी जो है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, चंद्रपुर, राजिम, सिरपुर, शिवरीनारायण या प्रथमपुर? तो जो शिवनाथ नदी का जो विसर्जन है, उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवरीनारायण। किस नदी की सहायक नदी हंसदेव है? तो आपका आ जाएगा बिल्कुल शिवनाथ नदी। तीरथगढ़ प्रपात खंड का किसका नदी पर है? यह आपका हो जाएगा कांकेर नदी, ठीक है। शिवनाथ की सहायक नदी शामिल नहीं है, तो शिवनाथ की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो देखिए आमनेर, हाप, तांदुला और हंसदेव। जो हंसदेव है आपका शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जमुनिया भी तो उसकी सहायक नदियाँ हैं। इस राज्य के रविशंकर सागर बांध कौन सी नदियाँ संबंधित है? चलिए बताइए, महानदी, महानदी जोगपरी, महानदी शिवनाथ, हंसदेव, हंसदेव सबरी या कोई नहीं, कौन सी संबंधित है? तो यहाँ पर बताइए रविशंकर बांध कौन सी नदियों पर संबंधित है? तो आपका महानदी, शिवनाथ और हंसदेव, आपका आंसर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईब नदी की लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो देखिए ईब नदी की जो लंबाई है आपका 87 किलोमीटर है, सब जबकि यहाँ पर सोने के कण पाए जाते हैं। कौन सी नदी पर? ईब नदी पर सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, ऐसी भी पार्ट टू वीडियो आपको चाहिए तो जल्दी से जाइए वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक स्टूडेंट को ऐसी वीडियो पहुंच सके। हौसल बढ़ाना और फॉरेस्ट गार्ड की क्लास 30 जून से प्रारंभ किया।